हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू रीड एनसीईआरटी प्रॉपरली। तो फ्रेंड्स, अगर आपने एनसीईआरटी पहले पढ़ रखी है और या फिर थोड़ी बहुत देखी है तो आपको एक बार जरूर पता होगी उसके बारे में कि उसके अंदर जो नॉलेज दे रखी है वो काफी शॉर्ट कर रखी है या फिर उसको काफी छोटा एक्सट्रैक्ट करके दिया गया है, जो कि अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ता है या फिर किसी को उस चैप्टर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो उसको वो चीज़ें आधी ही समझ में आती है और कुछ भी उसको प्रॉपरली उसके बारे में वो लर्न नहीं कर पाता और उसका वो एनालिसिस भी नहीं कर पाता कि उस चैप्टर के वो कहना क्या चाह रहा है। तो अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल से समझ में आना चाहिए और आपको लगता है कि हाँ मुझे ये बिल्कुल प्रॉपरली पढ़ना है, तो आपको पहले जो नोट्स हैं, आपके जो अदर नोट्स हैं या फिर स्टडी मटेरियल है, उनको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद में आप उन एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में कई जो लाइनें हैं और जो नेक्स्ट लाइन है उसके बीच में काफ़ी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मिस किए हुए हैं, जो कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में बाहर मिलेंगे नोट्स के अंदर या फिर स्टडी मटेरियल के अंदर। तो उनको वहाँ से रीड कीजिए। उसके बाद में जब आपको उस चैप्टर के बारे में, उस टॉपिक के बारे में पूरा नॉलेज हो जाए, उसके बाद में आप फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी को फेस कीजिए और फिर फ्रेंड्स आप बताइए मुझे कि वो आपको समझ में कैसे नहीं आती। तो ऐसे उसको फर्स्ट टाइम रीड करने का तरीका है। तो फिर आपको लगेगा कि यार एनसीईआरटी क्या काम की है, मैं तो सिर्फ नोट से ही पढ़ लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट बुक है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, नोट्स के अंदर काफी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रखा है जो कि एग्जाम में शायद ना आता हो, लेकिन अगर आप देखें एग्जाम का पैटर्न देखें तो जो 70-80% ऑफ पेपर आता है वो ओनली इन जो एनसीईआरटी के अंदर जो दे रखा है उससे में से ही आता है। और काफी बार तो आप देखें लाइन टू लाइन को जो क्वेश्चन है वो सीधे ही आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो उसकी जो डायरेक्टली लाइन्स हैं वो सीधे आपको एग्जाम में डाइवर्ट कर दी जाती हैं, लेकिन जो नोट्स हैं वो शायद किसी और तरीके से पढ़ाए गए हों, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी के अंदर से डायरेक्टली आते हैं और आते रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपको होगा क्या कि आपको जो डायरेक्टली आंसर देने होते हैं वो आपको सीधे याद रहेंगे और जितना आपको पढ़ना है 70-80% वो आपको डायरेक्टली एक छोटी सी बुक के अंदर नॉलेज हो जाएगा। लेकिन उसको डायरेक्टली आप पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम, अगर सिर्फ ओनली एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो मेरी मानिए आपको वो डायरेक्टली समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यही बात मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। और एग्जाम के अंदर आने वाले जितने भी डायग्राम्स हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आप जो है डायग्राम्स को कभी भी बाहर से मत पढ़िएगा, जितने भी एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स हैं उनको अच्छे से रीड कीजिए और साल में कई बार उनको देखिए कि हाँ ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, और इसका जितना भी जो दे रखा है उसके बारे में आप पूरी नॉलेज रखिए। और जो एक्स्ट्रा मटेरियल दे रखा होता है एनसीईआरटी के जो सबसे पीछे दे रखा होता है उसको पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप नोट्स को फॉलो करते हैं तो वो चीज़ें आप वहाँ पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी से पढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो अदर एग्जाम एक्टिविटीज दे रखी होती हैं एनसीईआरटी के अंदर, और स्पेशली इन केमिस्ट्री में जो आपके क्वेश्चंस दे रखे होते हैं जो कि न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपकी काफ़ी मदद करते हैं फाइनल एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि सिर्फ नंबर्स को चेंज किया गया और क्वेश्चन वहीं से आया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।